नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेद रघुनंदन टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और चमत्कारी औषधि पौधा लेकर आए हैं, जिसका नाम है भूमि आमला। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो दोस्तों, भूमि आमला क्या है जान लेते हैं। तो दोस्तों, भूमि आमला दो प्रकार का होता है, सफ़ेद भूमि आमला और रक्त भूमि आमला। लेकिन दोस्तों, गुणधर्म दोनों के एक समान होते हैं। भूमि आमले का पौधा आमले की पौधे की तरह ही होता है, जो कि जमीन यानी भूमि पर फैला होता है, और दोस्तों आमले की तरह इसमें फल लगते हैं। तो दोस्तों, भूमि आमले के फायदे जान लेते हैं। तो दोस्तों, भूमि आमला लीवर के सभी रोगों के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, भूमि आमले के पंचांग को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पीने से लीवर के कारण सूजन हो या लीवर की कोई भी समस्या हो वो ठीक हो जाती है। और दोस्तों, भूमि आमला पीलिया रोग के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसके लिए भूमि आमले के पंचांग को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लेकर इसमें पुनर्नवा की जड़ को डालकर काढ़ा बनाकर पीने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। और दोस्तों, अगर ताज़ा मिल जाए तो इसका स्वरस निकालकर 5 से 10 ml की मात्रा में लेकर काढ़ा बना सकते हैं। और दोस्तों, भूमि आमला हेपेटाइटिस बी और सी में बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, इसके लिए भूमि आमले के पंचांग को लेकर 3 से 6 ग्राम की मात्रा में इसका काढ़ा बनाकर लेने से हेपेटाइटिस बी और सी में लाभ होता है। और दोस्तों, भूमि आमला मोटापे के लिए एक रामबाण औषधि है। तो इसके लिए भूमि आमले का स्वरस निकालकर 5 से 10 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेने से मोटापा ठीक होता है। और दोस्तों, भूमि आंवला पथरी के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, पथरी के लिए भूमि आंवला की जड़ को लेकर पत्थर चट्टा के पत्तों को डालकर उसका काढ़ा बनाकर लेने से पथरी टूटकर निकल जाती है। तो दोस्तों, भूमि आंवला मुंह के छालों के लिए भी एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, अगर मुंह में छाले हो जाएं तो भूमि आंवला के पत्तों को लेकर चबाने मात्र से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, और दोस्तों मसूड़ों से खून आना ठीक हो जाता है। और दोस्तों, भूमि आमला सफ़ेद प्रदर के लिए भी एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, सफ़ेद प्रदर के लिए भूमि आमला के स्वरस को चावल के धोवन के साथ लेने से सफ़ेद प्रदर यानी सफ़ेद पानी आना बंद हो जाता है। और दोस्तों, भूमि आमला रक्त प्रदर के लिए भी एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, भूमि आमला के स्वरस को 5 से 10 ml की मात्रा में लेने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। और दोस्तों, भूमि आमला बवासीर के लिए भी एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसके लिए भूमि आमला के स्वरस को दुबरा घास के स्वरस के साथ लेने से बवासीर ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, भूमि आमला दाद खाज खुजली के लिए भी एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, दाद खाज खुजली है, तो उसके लिए भूमि आमले को हल्दी के साथ लगाने से दाद खाज खुजली एक्जिमा जो स्किन संबंधी रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भूमि आमला के फायदे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और किसी के भी काम आ सके। जय आयुर्वेद, जय भारत।